मेरा छोटा बाबू सोया। आज तो हमारे छोटे बाबू को 2 महीने पूरे हो गए और मौसी करके ला गई है छोटे बाबू के लिए शॉपिंग। हम लोगों ने दिन का खाना खाया और मौसी ने लगा दी थी रेस सीधे बाजार। ओह माय गॉड, इतना छोटा फ्रॉक लाई है, प्यारा सा फ्रॉक। 9 महीने तक फिट आल। आमा देखो गुस्से में आ गए। आमा बोल रहे कि तू इतना छोटा क्यों लाई, बड़ा क्यों नहीं लाई, बोलती है। हाँ, क्योंकि आमा सोच रहे की बात के भी काम आए। चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, शायद दूसरा ला सकते हैं। नहीं 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 ठीक है, अभी आना चाहिए, आ जाएगा ना अभी, आज बड़ा होगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के 4 बजे से और हम लोग ना आज जल्दी खाना बनाने लगे क्योंकि हमारी गुड़िया का आज 2 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, होने वाले क्या हो गए हैं, तो उसकी तैयारी करनी है थोड़ी देर में। और गुड़िया तो ना अभी भी सोई है, पता नहीं इतनी नींद कैसे आ जाती है। तो खाना पीना बनाने के लिए ना पूजा ने थोड़ी बहुत तैयारी कर दी, प्याज व्याज काट दिया। मेरा काम है सब्जी बनाने का। मम्मी और नानी गए हैं घूमने के लिए, तो हम सोच रहे हैं मम्मी और नानी को आने तक थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, फिर साथ में सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज मेरे साथ इतना गंदा हो गया ना, बता नहीं सकती। प्रेस कुकर में पानी दिख नहीं रहा था तो मैंने तेल डाल दिया और देखो सारे छींटे तेल के ऐसे पूरे बाहर पे आ गए। मम्मी बोलेगी साल में एक बार तो काम करने को बोला और वो भी ऐसे हाल हो गए। प्याज मैंने डाल दिया, अब बारीक है टमाटर और लहसुन के। और पूजा का काम दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरा काम है सब्जी बनाने का, पूजा का काम है पापा के लिए जूस बनाने का। और पापा ना इतना अच्छा जूस खाते हैं बता नहीं सकते, लौकी करेला टमाटर पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते हैं। करेला लौकी खीरा टमाटर सारी चीजों का जूस बनाने का। ऐसा जूस देखा है आप लोगों ने, मैं तो आज पहली बार ही देख रही हूँ। ये जूस नहीं है। हाँ ये जूसा है, फिर से किचन में कुछ रखा है ना आपने। हाँ जल गया, पता नहीं रुको 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 आवाज आ रही है। कैसी रसोईया है ना मेरी घर वाली, है ना। वहाँ देखो क्या जल गया। पूजा इतनी खुश हो रही है, देखो क्यों हो रही है खुश, क्योंकि पूजा को जूस बनाना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा खुश इसलिए है कि उसको जूस का जो बर्तन है ना वो धोना पड़ता है, जिसमें से निकलता है। देखो यार 10 घंटे तो उसी को काटने में लगे रहते हैं, राई लौकी। लो बनाओ मैडम जूस बनाओ। यार लौकी का भी होता है का जूस। तो पूजा का जूस बन गया है और सबसे बड़ा दुख वाला काम अब पूजा का है। ये धोएंगे ना। क्या तो सब्जी बनाने का काम मेरा हो गया और जूस बनाने का काम भी हो गया है। अब बारी है डेकोरेशन करने की। पतिदेव और पूजा तो लग गए भाई अपने अपने काम में, तो मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। ये देखो इतनी ताकत। हाँ थोड़े बहुत उन्होंने गुब्बारे फुला भी दिए हैं। छोटी बाबू की ड्रेस जो कि नाना जी लाए थे और मौसी तो थोड़े बहुत गुब्बारे मैंने फुला दिए, पूजा और पतिदेव ने फुलाए थे थोड़े, और नानी पूजा का काम चल रहा था आगे में गुब्बारा बांधने का। देखो एक इंसान तागा सुलझा रहा है, एक इंसान तागा पकड़ के बैठा है, दूसरा इंसान गुब्बारे बांध रहा है। मम्मी इनका काम देखने वाली है। ए कर रही उसमें मैंने गांठ नहीं पा रही, पूजा छीनने आ रही थी मेरे को देख रखे। तो हम लोग सोच रहे हैं जैसे हम लोग ने एक लाइन यहाँ पे ऐसे ऊपर तक ऐसे बांध रखी है, एक लाइन यहाँ से ऐसे, फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे करेंगे करके, तो फटाफट से गुब्बारे और फुला लेते हैं। और पतिदेव का तो कुछ काम है नहीं, आराम फरमा रहे, नींद आ रही है, खराब हो रही है। हाँ अभी कुछ खाना होगा तो तबियत ठीक हो जाएगी, बस काम करते टाइम होती है खराब, है ना। हाँ ये देखो पूजा पूरे कॉम्बिनेशन के साथ लाई है, व्हाइट और रेड बैलून, और नित्या की ड्रेस भी क्रीम और पिंक है। वो पूजा को मिला नहीं ना, पिंक गुब्बारे मिले नहीं, तो इसलिए पूजा रेडी लेके आई। तो इस साइड पिंक लगा दिया, अब इस साइड लगाएंगे व्हाइट। नानी और मौसी दोनों लगे पड़े हैं।
फाइनली हमारा डेकोरेशन हो गया है पूरा। इतना प्यारा सा डेकोरेशन किया है पूजा ने और मम्मी ने। पूजा ये सारी कर रही थी इधर की, मेरा नाम भी लिया, बहन ले लिया थे ना। पूजा ने, पति देव ने, मम्मी ने, लड़ते रहो तुम, लड़ते रहो। तो डेकोरेशन तो हमारा हो गया, अब बारी है नित्या को ड्रेस पहनाने की। आपने नहीं पहना, वो नित्या ने पहना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे पहनाएंगे। हाँ चलो फिर। और मम्मी कर दिया छोटी बाबू को तैयार। बाबू का क्या कर दिया ऐसा, क्या कर रहा है बाबू? नानी दर्द कर रहा है, गंदी है नानी। इतना प्यारा सा फ्रॉक पहना है ना बाबू ने। तो नित्या को कर दिया पूजा ने तैयार और लेके आ रही है बाहर। अभी तक सोई थी और उठ भी गई अब तो। बोले हमारी गुड़िया, क्या हा मौसी इतना प्यारा फ्रॉक लाई। ऐसा बोल दिए बाबू, तू ऐसा बोल दिए। थैंक यू कह रही है, थैंक यू। तो हमारी नित्या रानी बहुत खुश है ना, प्यारा से फ्रॉक पहना है ना बाबू, है ना प्यारा से फ्रॉक। तो डेकोरेशन भी हो गया तैयार और नित्या भी हमारी हो गई है तैयार। बस फोटोशूट की देरी है, मम्मी पापा जैसे आते हैं फिर करते हैं फोटोशूट। अब नानी जा रहे सबसे पहले फोटो शूट करने के लिए और नाना जी भी आ गए हैं। तें देवा को मैं अपनी गोद में बैठाता हूँ। देवा बारी बारी से आ रहे हैं फोटो शूट करने के लिए। ये देखो आप बैठो भी पहले, फिर मैं बैठूंगा आपकी गोद में। मैं 21 साल लिखो ना तभी लगूंगा 21 साल का। ओले 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 ओले, देखा मेरी गोद में आते रोने लग गई यार, हद है। क्योंकि मेरा लास्ट नंबर आया ना, इसको फिट आ गई है, परेशान हो गई है, सब रोने लग गई है। अब उसको भूख भी लगी है, फटाफट कुछ चटनी भी कर देते हैं। तो फोटो शूट भी हो गई है हमारी, अब बारी है इसकी मालिश की। नित्या की मालिश हो रही है, साथ में मैं खा रही हूँ प्यारी सी मिठाई। बाप रे, फुल मालिश चली है, फुल मालिश नानी की। तो हम लोग ने गुड़िया का ना सेकंड मंथ भी सेलिब्रेट कर लिया। मम्मी बनाने लगी है रोटी। तो खाना पीना भी हमारा बन गया है और अब होने लगी है खाने की तैयारी। तो फटाफट से कर लेते हैं भोजन पानी, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।